इस दिवाली न करें ये 10 काम। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली एक अहम पर्व के तौर पर मनाया जाता है। दिवाली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दिवाली माता लक्ष्मी का त्योहार है। चलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो गलती से भी दिवाली के समय नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं मानी जाती। धार्मिक कथाओं के मुताबिक दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठे। दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। दिवाली के दिन घर में गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, अतः इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखें। दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है, अतः इस दिन नई झाड़ू खरीद कर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। दिवाली के दिन या अन्य दिनों में कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है, इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। नया घर बनाने के बाद उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशगुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें। घर में उल्टी झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। अंधेरा होने से पहले ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर ले। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।